हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। सो शालू फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। ये एक छोटा सा क्लिप है कि यहाँ पे लेडीज़ एक कलश लेके चल रही थी, मूर्ति स्थापना हो रही है। बाकी का क्लिप आपको बाद में दिखाऊँगी। मेन पॉइंट था कि अगर आपका दूध फट जाए तो आप उसको और फाट के पनीर कैसे बना सकते हो। होप कि आप लोगों को लिए ये वीडियो ज़रूरतमंद हो जाए। ऐसे ही बोलेंगे ना, मे बी मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती इसलिए मुझे हिंदी में बात करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अवॉइड करना इस चीज़ को। बट हाँ, अगर किसी का दूध फट जाए और आप लोग उसे फेंकने की बजाय आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ये वीडियो, ताकि आप लोगों के यूज़फुल बन सके आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे पनीर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मैंने नींबू निचोड़ दिया है इसमें आधा। ज़्यादा नींबू निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खट्टासपन ज़्यादा आ जाएगा। तो अब इसको एक चुन्नी या फिर आप एक सूती कपड़े में भी डाल के इसको इस तरीके से रोलर सा करके और थोड़ी देर आप इसको दबा के और 2 मिनट के लिए इसे लटका दीजिए, ताकि इसका जो बचा कुचा पानी हो वो निकल जाए और ये फिर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना, नॉर्मल पनीर की तरह लग रहा है। पर वो ये ना कहते हैं घर का पनीर घर का ही होता है, तो ये दूध फट गया था तो अच्छा हुआ। अब इसमें पराठे बना दूँगी मैं बच्चों के और बड़े के। तो अभी कितने पराठे बनेंगे इसमें देखते हैं, बट ये है कि पनीर अच्छा बन गया था। तो ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, फिर उसके बाद 1-2 घंटे बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फिर मैं इसके पराठे बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो पहली बार देख रहा है, और लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। हालांकि आप बहुत कंजूस हो तो मुझे पता है कि आप लोग कमेंट नहीं करोगे, हाँ लाइक भी नहीं करोगे, बट इट्स ओके। मैं जब तक बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा ना कि आप लोग वीडियो भी लाइक करोगे और चैनल भी सब्सक्राइब करोगे और आगे भी शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। बट इतना प्यार मिल रहा है मेरे लिए, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने पनीर घिस लिया है, ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, क्यूट बहुत अच्छा लग रहा है। और नॉर्मली बहुत सॉफ्ट था ये, बाकी का बच गया मैं इसको उठा कर रख देती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वापसी इसको यूज़ कर लूँगी, नहीं तो देखते हैं इसका क्या करना है। ठीक है, तो अभी इसमें मैं नमक मिर्च डाल देती हूँ और इसको पैक करके वापसी फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये ख़राब ना हो बाहर रख के। बाहर अगर छोड़ दिया तो खटासपन इसमें ज़्यादा आ जाएगा, ख़राब नहीं होगा बस खटास ज़रूर आ जाएगी इसमें। तो अभी इसमें नमक मिर्च डाल लेते हैं, और हमारे घर में थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, मैं, बच्चे और पतिदेव, मम्मी नहीं खाती स्पाइसी। तो अभी मैंने इसमें अपने स्वाद अनुसार मिर्च और नमक डाल लिया है, बाकी आप लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग यूज़ कर सकते हो आपको कितना खाना है। अभी मैं इसमें 1-2 हरी मिर्च भी डाल दूँगी। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ, कोशिश करूँगी इसमें ना डालूँ, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं डाल दूँगी। तो अभी बना लेते हैं पराठे। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैंने कुल 6 मिनट की वीडियो बनाई है स्पेशली पनीर किस तरीके से बनाया जाए और पनीर के पराठे किस तरीके से बनाए जाए। जिसको नहीं आते हैं ये उन लोगों के लिए वीडियो है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत करना पर लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप लोगों तक मेरी जो वीडियो पहुंची है वो यूज़फुल हो गई है। मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा तो कुछ करने की कोशिश की। तो यहाँ पर मैंने जो पराठा बनाया है कहीं से कहीं तक भी फटा नहीं है, देख रहे हो साइडों में से बिल्कुल भी नहीं निकला है। बहुत अच्छे तरीके से पराठा बन चुका है और इसे दोनों साइडों में से बढ़िया तरीके से सेक लेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से सेक भी चुका है। तो मैं बाकी के पराठे भी ऐसे ही बना लूँगी। तो अभी दूसरा पराठा बना लेते हैं और इसके बाद मैं आप लोगों को वो कलश का वीडियो दिखाऊँगी। वो मूर्ति स्थापना होनी थी किसी की, तो बहुत सारी लेडीज़ें कलश लेके जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी थोड़े से दर्शन कराए जाएँ।
तो प्लीज़ मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपना प्यार और अपना सपोर्ट इसी तरीके से बना के रखना, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं वो भी मेरा वीडियो देख लेते हैं, और मैं किसको बोल रही हूँ पता ही चल जाएगा। बट हाँ, प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए, और मिलते हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक यू गाइज़, आप लोग इन्जॉय कीजिए।